हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पृथ्वी बहल एंड मामा रॉक्स। और ये संडे सुबह का टाइम है। मैं यहाँ बना रही हूँ एक मैजिकल सा हेयर पैक। आई थिंक मैंने आपके साथ ये पहले भी शेयर किया है। इसके लिए मैंने एक एग लिया है। ये हेयर पैक सारे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके ड्राई हेयर हैं, चाहे ऑयली हेयर हैं, फ्रीजी हेयर हैं, आपकी स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, कोई भी तरह का आपको हेयर फॉल है, स्पेशली मॉनसून में जो हेयर फॉल स्टार्ट होता है उसके लिए ये रेमेडी बेस्ट है। मैंने एक एग लिया, उसको मैंने एकदम से वीट किया, उसमें मैंने अब आधा नींबू का रस डाला है। जिन लोगों को नींबू से एलर्जी होती है, इचिंग होती है, वो ना डालें, अदरवाइज़ नींबू बहुत अच्छा है आपके स्कैल्प के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ है घर का दही डाला है और ये एलोवेरा जेल मैंने घर पे अभी मिक्स में ग्राइंड करके जो है वो बनाई है। और उसमें मैंने डाला है ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल। जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो डालें, लेकिन अगर एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर्स। आपकी हेयर्स में शाइन लाने के लिए, उसको मॉइस्चर देने के लिए, आपकी स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, ये पैक एक जो है वो मैजिकल हेयर पैक है। हाँ, इसकी थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी होती है, थोड़ा पतला होता है, तो आपको बाद में थोड़ा सा ये होता है कि बहता रहता है तो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल अनईजी हो सकता है आपके लिए, लेकिन चलता है, है ना। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो खोना भी पड़ेगा। इस तरह से आपको अपने हेयर्स पे, अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेना है, जैसे आप ऑयलिंग करते हो उस तरह से लगा के, जड़ों में लगाने के बाद आपको बालों के ऊपर भी लगाना है। जड़ों में मैं थोड़ा थोड़ा लगा चुकी थी, अब मैं ऊपर हेयर्स के लगा रही हूँ। अंडा जो है बहुत ही अच्छा है, स्पेशली यार अंडा लगाने के बाद स्मूथ से हेयर हो जाते हैं, स्ट्रेटन अप होते हैं, फ्रीजी हेयर्स जो है वो बैठने शुरू हो जाते हैं। तो आप हफ्ते में ये एक पैक ज़रूर लगाएं। शैम्पू की बहुत डिस्कशन चलती है यार, कौन सा शैम्पू चलाना चाहिए, लगाना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है। समटाइम्स अच्छे वाले जो शैम्पूज़ होते हैं जो पैराबेन सल्फेट फ्री हैं, या हम लोग सोचते हैं बहुत बढ़िया वाले जो हैं, वो हमारी पॉकेट सूट नहीं कर रही होती। तो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, कोई अच्छा होता है, कोई थोड़ा सा बुरा होता है, लेकिन केमिकल तो सब में होते ही हैं। सो आपको एक फंडा रखना चाहिए, अपने हेयर्स को अच्छे से ऑयलिंग करनी चाहिए, और दूसरा फंडा रखना चाहिए हफ्ते में एक बार हेयर पैक ज़रूर लगाएं। आपके बालों को अच्छे से ये कंडीशन कर देगा, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है आपके बालों को मिल जाता है, और क्या चाहिए। और घर की बनी चीज़ें जो होती हैं वो बेस्ट ही होती हैं, दैट्स वाई होम रेमेडीज ज़रूर करें। लगाते टाइम मैंने आपको दिखाया यहाँ पे दो चार बाल ज़रूर गिरेंगे जब भी आप पैक वगैरह लगाते हो, तो उसकी जो है आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद आपको शावर कैप लगा लेनी है अगर आपके पास है। मेरे पास नहीं है तो मैं तो जी देसी जुगाड़ कर लेती हूँ, पॉलीथीन लगा लेती हूँ और फिर काम में जुट जाती हूँ, बैठती नहीं हूँ क्योंकि ये गिरता है, रनिंग कंसिस्टेंसी होती है ना, तो इधर उधर कहते हैं ना पंजाबी दे विच, कहते हैं ना यार चो चो के गर्दन भी लबड़ जाती है, अजीब जी अनहाइजीनिक हो जाता है। नींबू डालने से क्या होता है कि एग की स्मेल भी नहीं आती। कुछ लोगों को इशू होता है ना, जैसे मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ तो नॉनवेज हो गया, एग हो गया, इन चीज़ों की ना मुझे स्मेल बहुत जल्दी आती है और अजीब सी आती है, मेरा तो वॉमिट को मन करने लग जाता है। लेकिन ये मैंने सोल्यूशन फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ माई मम्मी। मेरी मम्मा ने बताया था कि अगर किसी बर्तन में से ऐसे एग वगैरह की स्मेल नहीं जा रही तो नींबू रगड़ दो। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एग जो है वो नींबू मिक्स करके लगाना शुरू किया, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। और उसके बाद मैंने यहाँ काम पे लग गई, सुबह का टाइम था ये, और नाश्ता हमारा हो चुका था। नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद ही मैं इस तरह से शुरू होती हूँ संडे को। संडे यार बहुत बिजी दिन होता है, तो इसको मैं अपना सेल्फ पैम्परिंग डे ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि वीकडेज में अपनी इस तरह से ध्यान नहीं रखा जाता। और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन अच्छी हो, आपके हेयर्स अच्छे हों, आपको पार्लर्स में ना जाना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यार मुझे पार्लर जाने में ही आती है। मुझे पार्लर में जाके कौन घंटा बैठे, और ऊपर से वहाँ पे इतनी इंस्टिंक्ट सी गंदी सी स्मेल होती है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। दैट्स वाई मैं जुगाड़ जो है ना घर में ही कर लेती हूँ, घर में ही मज़ा आ जाता है फिर। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर स्टार्ट किया हो ना तो ब्लॉग चलता रहता है, अगर ना करो तो फिर रह ही जाता है, और फिर आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दीदी आपने ब्लॉग नहीं डाला। तो तबीयत थोड़ी सुधर रही है, अभी आवाज़ भारी भारी है लेकिन फीवर नहीं है। और आज है संडे, तो संडे को बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता ही है। जनरली हम बोलते हैं संडे हॉलीडे, लेकिन लेडीज़ के लिए संडे हॉलीडे नहीं होता, संडे एक्स्ट्रा वर्किंग डे हो जाता है हम लोगों के लिए। तो सुबह उठ के नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, और मैंने
सेल्फ पैम्पिंग डे है ये, तो मैंने पहले हेयर पैक लगाया बहुत ज़बरदस्त वाला। मे बी इसकी रेमेडी इसी ब्लॉग में होगी या अलग वीडियो में, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा वाला पैक है, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कुछ भी हेयर प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर्स हैं, सॉफ्ट नहीं है, सिल्की नहीं है, शाइनी नहीं है, तो ये वाली रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो किचन साफ़ हो गई है, अब हम झाड़ू पोछा करेंगे। पहले मुझे ऋत्वी को मैंने ब्रेकफास्ट दिया था, मुझे वो देखना है उसने अच्छे से कंप्लीट किया है कि नहीं, फिर मैं स्टार्ट करूँगी झाड़ू पोछा सफाई। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे ऋत्वी बहल एंड मामा रॉक्स। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अच्छे से अब मैंने किचन को साफ़ कर लिया, पूरी क्लीनिंग व्लीनिंग हो गई। थोड़ी सी आज मेरी सेल्फ मैसी है, चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, क्योंकि मुझे और हरित्वी को कोल्ड हो रखा है, डस्ट की वजह से हुआ था। ज़्यादा सफाइयाँ करनी भी बड़ी हानिकारक होती हैं, और हरित्वी तो अस्थमा पेशेंट है, तो उसका तो कोई पता नहीं कब उसे जुकाम आने लग जाए। समटाइम बहुत अच्छे से सुलाती हूँ, रात को बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन सुबह उठते ही छींकना शुरू कर देती है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है मुझे हरित्वी के साथ, मतलब ये मेरी टेंशन का बहुत बड़ा कारण है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, और इधर मेरे बाबू ने शुरू कर दी थी सफाइयाँ। ये सबसे बड़ा, मतलब मैं आपको बोलती हूँ कि एक मेरी ज़िंदगी में ना सुकून है, आप बोल सकते हो खुशी है। हर माँ की लाइफ में होता है ना कि हम मम्मियाँ क्या करते हैं, अपने बच्चों को देख के स्माइल हमारे फेस पे रहती है। हम मतलब हमारा खुशी का रीज़न सबसे बड़ा हमारा बच्चा होता है। लेकिन जब हरित्वी इस तरह से काम करती है ना, तो मेरे मुंह से या मेरी अंतरात्मा से अपने आप ही भगवान के लिए ना थैंक यू निकलता है, इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। और यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दूँ, जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, मुझे कल भी किसी अमित पटेल जी ने कमेंट किया था कि आपका बेटा बहुत प्यारा है। नो डाउट मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन शी इज़ अ गर्ल, वो बॉय नहीं है। हाँ, वो टॉम बॉय बोल सकते हो, उसको लड़कों की तरह रहना पसंद है, उसी तरह के कपड़े, उसी तरह का वे ऑफ टॉक है उसका, और मैं उसे उसी तरह रहने देती हूँ, बट शी इज़ माई स्वीटी पाई गर्ल। और यहाँ पे ऋत्वी अपने बेड पे चढ़ गई थी और लगी हुई है सफाइयाँ करने। अब आप ये पूछोगे कि दीदी पिक्चर तो आपकी बेड के पीछे छुप गई। एक्चुअली मैंने थोड़े दिन पहले ना बेड वगैरह चेंज किए थे, आपको पता है उनकी जगह जो है वो इधर उधर खिसकाए थे, तो पिक्चर्स वगैरह ऐसे ही छुप गई हैं। हम वेट कर रहे हैं, मिस्टर बहल जब आएंगे तब रूम को हम डेकोर करेंगे, पेंट वगैरह करवाएंगे, क्योंकि हरित्वी का बर्थडे आने वाला है। तो इस बार उसकी डिमांड, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उसके गिफ्ट वो खुद मांगती है, डिमांड्स बढ़ चुकी हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसका रूम हमें पेंट वेंट करवाना है। तो इसीलिए मैंने पिक्चर्स क्लोक वगैरह जहाँ पे है वहीं पे रहने दिया, बाद में अच्छे से इंटीरियर सोचेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। तो बस इसी तरह हमारी संडे चल रहा था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का संडे कैसा होता है। सब बोलते हैं ना संडे फंडे, पर मुझे नहीं लगता हाउसवाइफ्स के लिए संडे फंडे होता है, क्योंकि सब मेंबर्स घर पे होते हैं और हाउसवाइफ्स के लिए काम जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि संडे जो है वो फंडे होता है। मेरा ये मानना है फंडे तब था जब हम मम्मी पे डिपेंडेंट थे, है ना। अब तो खुद करना होता है सब कुछ, तो संडे को बहुत सारे काम सोच के रखे होते हैं, इसलिए हमारे लिए अब संडे जो है वो फंडे नहीं रहा। अब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं तुम के मम्मियों ने किस तरह सब कुछ हैंडल किया था ना। और यहाँ पे बाबूजी लगे हुए हैं अपनी अच्छे से सफाइयाँ करने, और मैं भी साथ साथ लगी हूँ झाड़ू पोछा करने। बहुत बड़ी मेरी हेल्प हो जाती है कि मुझे सुबह डस्टिंग नहीं करनी पड़ती, स्पेशली संडे को जब हरित्वी घर पे होती है। अदरवाइज़ तो अब उसके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो स्कूल जाने लग गई है, तो डस्टिंग वस्टिंग वो खुद कर देती है, और इतनी अच्छे से करती है ना कि जहाँ भी उसको एक कण भी धूल का नज़र आता है ना, फटाफट साफ़ करती है। टाइम बहुत हो गया था, और यहाँ पे मैं अपनी बनाना स्मूथी बना रही थी। आप लोगों ने इसकी रेसिपी मांगी थी, कभी शूट करूँगी।
ये एक सिंपल सी बनाना स्मूदी है जिसमें बनाना और दूध जाता है। चीनी मैं अपने टेस्ट के लिए डालती हूँ क्योंकि मुझे क्रेविंग हो जाती है चीनी की, बिकॉज ऑफ बीपी लो रहने की वजह से शायद मुझे चीनी कई बार मन करता है ज़्यादा करूँ। तो सुबह सुबह मेरे को डॉक्टर ने भी सुजेस्ट किया है कि सुबह सुबह जो भी आप लिक्विड लेते हो, चाहे आप चाय लेते हो, चाहे आप कुछ भी लेते हो, तो उसमें आप चीनी की थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा रखें। और यहाँ पे बनाना होते हैं खजूर, अंजीर और उसमें और भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको अच्छे से स्मूदी बना के पीती हूँ। और रिच सोर्स ऑफ बायोटिन, प्रोटीन आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके गट सिस्टम के लिए ये स्मूदी बहुत अच्छी है। जिन लेडीज़ में आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन D3 की कमी होती है, इवन विटामिन के, विटामिन B12 इनकी कमी होती है, उनके लिए ये स्मूदी बहुत अच्छी है। कॉन्टीन्यूसली एक महीना ये नाश्ते में लें, आपको फ़र्क जो है वो खुद देखने को मिल जाएगा। मतलब खाना पीना जो भी आप स्टार्ट करते हो, जो भी डाइट अपने लिए स्टार्ट करते हो ना, महीना दें उसको। यहाँ गाइस हो रही है लंच की तैयारी, और लंच में मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक नान। उसके लिए मैंने कनक का आटा लिया है, उसमें कसूरी मेथी डाली है, बेकिंग पाउडर डाला था, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, और उसके बाद डाला है मैंने दही और थोड़ा सा तेल। अब इन सबको मिक्स करके हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। एक्चुअली मैं भूल गई थी शूट करना। अब हम इसे फिर सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे और गार्लिक क्रश करके डाला है, आपको दिखेगा, ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा है ना, गार्लिक क्रश करके डाला है। अब इसे अच्छा सा सॉफ्ट सा हम डो रेडी करेंगे और फिर उसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। पनीर बटर मसाला लाइक कुछ बन रहा है, मुझे नहीं पता मैं आज क्या बना रही हूँ। मैंने पहले सोचा था कि इसमें दही डालूं। सिंपल तड़का है, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, गरम मसाला, हल्दी और नमक का, जस्ट इनफ, इसमें कुछ और नहीं डाला। तड़का हो गया है तो मैं पहले सोच रही थी दही डाल के बनाऊं, लेकिन ऐसी सब्जी ना मैंने ऋत्विक को कभी खिलाई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ आज उसके साथ ट्राई करूँ, क्योंकि जब वो स्कूल जाती है तो मेरा दिल होता है उसको अलग अलग डिशेस जो है वो भेजूँ, पर उसने खाया ही शुरू से सिंपल है। तो यहाँ मैंने मलाई डाली है, ठीक है गाइस, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पर मैं सोचूँ कि दही डालूँ, दही वही तो वो खा ही लेगी। मलाई डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, और ये मलाई वाली कटोरी है उसी में मैंने जो है वो पानी डाल लिया है। नेल पेंट बड़ा गंदा हो रहा है, नेल पेंट लगाना है। और ये घर का बना पनीर है, उसको मैंने क्यूब्स में कट किया है, थोड़ा सा बचा है, सोच रही हूँ बच जाए तो फिर उसको परौंठी वगैरह में यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के ना दूध इकट्ठा करती हूँ, एक दिन छोड़ के फिर पनीर बनाती हूँ। वाह, देखो कोई मसाले वसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तड़के को टाइम दो पकने का, कलर अपने आप आ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, दो बंदों की सब्जी है क्योंकि मम्मी पापा आज कहीं गए हुए हैं शादी पे, तो हम दोनों की ही सब्जी है ये, हम दोनों खाएंगे। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए, मुझे लगता है मैं थोड़ी और लगा सकती हूँ। और इस संडे भी हरित्वी ने ऑर्डर कर दिया कि मम्मा मुझे नान खाने हैं। लास्ट संडे मैंने आपके साथ शेयर किया था आलू वाले नान, जिसमें मैंने मैदा यूज़ किया था, लेकिन ये मैंने कनक के आटे के बनाए हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है वो मैदा बच्चों को देना जो है वो अच्छा नहीं होता। और वैसे भी हरित्वी अस्थमा पेशेंट है, तो उसकी फिर जब उसे दिक्कत शुरू हो जाती है तो डाइट बहुत कंट्रोल करनी पड़ती है। तो मैंने आज जो है वो गार्लिक नान बनाए, और मैंने सोचा इसको ओवल शेप में बनाती हूँ, क्योंकि ऋत्वी के साथ ना फूड्स को ट्राई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक फूडी बच्चा है जिसे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड रेसिपीज़, अलग अलग तरीके की चीज़ें बना के खिलाओ वो बहुत खुश होती है, और वो अच्छे से खाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैं मेहनत बनाने में करती हूँ ना, जब वो खाती है ना, तो लाइक दैट आप बोल सकते हो कि मैं मेहनत को वसूल, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। तो यहाँ पे एक साइड पे पानी लगा है, और ऑयल से ग्रीस किया था तवा, उसके ऊपर मैंने पानी जिस साइड लगा था नान के वो साइड रखी है।
कणक के नान भी बहुत अच्छे बने थे और यम्मी बने थे, बट मैदे के नान से थोड़ा सा टेस्ट जो है वो अलग था, ठीक था लेकिन मैदे के नान का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। कनक के नान का टेस्ट दैट मतलब वो उस तरह से रिच नहीं था। अब इसको मैंने तवे को उल्टा कर दिया है और देखिए बिल्कुल भी नहीं छूटा, इट मीन्स आटा मैंने परफेक्ट गूंदा है। मैं ना मुझे लगता है कुकिंग में अपने मुंह में मिठू शुरुआत है ना, तो मैं बोलूंगी कि कनक के आटे से, कनक के नान से स्टार्ट करें। ये थोड़ा मैदे से इजी बेल होता है और इजी बनते हैं, टेस्ट में थोड़ा सा फर्क है लेकिन ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैदे का टेस्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऋत्वी को नान बहुत पसंद है लेकिन डेली डेली मैदा देना दैट्स नॉट गुड, तो कनक का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बस अभी मैं अपने लिए रिंग अनियन जो है ना उसका सैलेड बनाऊंगी। सबसे पहले मुझे गैस साफ करनी है, उसके बाद मैं खाना खाने बैठती हूँ, क्योंकि पता नहीं खाना खाने के बाद ना मेरे से ज़्यादा दिल नहीं करता मेरा सफाई वर्क करने को ना, इस वजह से मैं हस्बैंड से डांट भी खाती हूँ। जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ ना वो बेचारे डाल के वेट करते रहते हैं मेरी, आ जा खाते हैं खाते हैं, और मैं कहती हूँ आई दो मिनट सिंक में दो बर्तन, और वो बहुत गुस्सा करते हैं। तो अब मैं पहले करूँगी सफाई, और मेरे बाल बहुत अच्छे हैं आज, आपको बाद में दिखाती हूँ, बड़ा मस्त वाला पैक लगा था। खाना बना लिया था मैंने, हरित्वी को दे दिया था, हरित्वी खा रही थी। आज हम दोनों ही अकेले ही थे घर पे, मम्मी पापा कहीं शादी अटेंड करने गए हुए थे, तो बहुत कम बना खाना, और नान और मैं बाद में खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे किचन की सफाई करनी है। और इसी बात पे मेरा और मिस्टर बहल का झगड़ा हो जाता है कि उनको होता है कि पहले खा ले, और मेरे को होता है कि पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ फिर खाऊँगी, क्योंकि मुझे ना खाने के बाद यार मेरा बर्तन धोने को दिल नहीं करता, ज़्यादा बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं, दो चार चलेंगे, लेकिन खाना खाने के बाद एक घंटा खड़े होकर बर्तन धोऊं तो फिर मेरा जो खा के मेरे को मज़ा आया होता है ना, टेस्ट आया होता है, वो सारा गायब हो जाता है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने व्यूज़ अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मुझे हमेशा वेट रहता है आपके कमेंट्स का। मुझे फॉलो करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मीनाक्षी बहल, और बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टाग्राम पे मुझे DM करने का, मेरे साथ बातें करने का। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड ममा रॉक, सत श्री अकाल, थैंक यू।